और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा के वाजिदपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता प्रवीण यादव के घर मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए। ये जनगणना ब्रिटिश जमाने में हुई थी और जागरूक समाज भी अब आगे आ रहा है। समाजवादी पार्टी को बहुत चिंता है कि जाति जनगणना हो और उनसे कहिए कि अपने असिस्टेंट गिरी छोड़ें। ये सवाल मुख्यमंत्री जी का है, सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया है। वो अपने विभाग का बजट तक नहीं बढ़ा सकते। जो मंत्री अपने विभाग का बजट ना बढ़वा पाए, बड़े विभाग से छोटा पहुंच जाए, जनता ने जिसको नकार दिया हो, वो क्या जवाब देंगे? और उनकी हैसियत थोड़ी है कि जाति जनगणना करा लेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी करा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी करा सकते हैं, इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। सर, कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था आपने देखा नहीं? सरकार को याद रखना चाहिए कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। ये जो बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं, ये बुलडोजर से जिस तरीके से माँ और बेटी की हत्या हुई है, अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले एक ब्राह्मण परिवार के बेटे को न्याय मांगने गया, उसको नंगा कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, आज के समय पर कोई न्याय मांगने जाए और पुलिस उसको नंगा करते हैं, और मुख्यमंत्री और सरकार पूरी बैठी देख रही हो समाजवादी पार्टी को। तो अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे और यहां पे एक के बाद एक कई मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। फिर चाहे कानून व्यवस्था हो, जातीय जनगणना हो और कई अन्य मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। इससे पहले सदन में भी कल जब चर्चा हुई तो अखिलेश यादव जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सरकार इससे क्यों भाग रही है। इसके अलावा कई और मुद्दे भी थे, विषय भी थे जिन्हें आधार बना के अखिलेश सरकार को घेर रहे थे और आज वो नोएडा पहुंचे, यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया, उसके बाद सभा को भी संबोधित किया और फिर मीडिया से बात करते हुए अलग अलग विषयों को उठाया और उनको आधार बनाते हुए यहाँ पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आए, सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो नोएडा दौरे पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। नोएडा में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की, निजी कार्यक्रम में, और यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए सरकार को कई मुद्दों को आधार बना के जातीय जनगणना का जिक्र उन्होंने किया और इसकी मांग लगातार की जा रही है। बाकायदा सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी संगोष्ठी का भी आयोजन कर रही है। और स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, अखिलेश यादव सदन से लेकर सड़क तक अब मुखर हो चुके हैं और जातीय जनगणना जो है उसको लेकर सरकार को घेर रहे हैं, इसकी मांग की जा रही है। देखिए अखिलेश पार्टी एकदम से सुर्खियों में आई थी, वो कहीं ना कहीं एकदम से दबा दिया गया। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस पार्टी को पता चल गया था कि पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चुनाव में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए अब जाति जनगणना के मुद्दे को अखिलेश यादव अचानक से हाइप दे रहे हैं। चाहे वो विधानसभा का सत्र हो, चाहे वो सम्मेलन करवाए जा रहे हो जिनको सात अलग अलग मंडल बनाए गए हैं और आज से शुरू कर दिया गया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राज्यपाल उनके नेतृत्व में आज ये सम्मेलन किया जा रहा है और जो पूर्वांचल के पांच जनपदों को चुना गया पहले खंड में, उसमें सोनभद्र है, भदोई है, प्रयागराज है, वाराणसी है, ये जनपदों को शामिल किया गया है और सबसे पहला आज सम्मेलन वाराणसी में हो रहा है। वाराणसी इसलिए क्योंकि पीएम का क्षेत्रीय शहर भी है, तो इस वजह से उनको है कि यहां से अगर किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो इसका शोर दूर तक जाएगा। और लगातार समाजवादी पार्टी जाती
जनगणना की मांग कर रही है। उनको लगता है कि जाति जनगणना करवा देनी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या हो उसको उसको उस हिसाब से उतने अधिकार मिल जाने चाहिए। और इसकी मांग जो और भी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे निषाद पार्टी की बात की जाए तो वो भी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव आज नोएडा भी गए, विधानसभा में भी उन्होंने कल हंगामा किया, उनके नेता के तमाम उनके जो सदन में तमाम नेता थे उन्होंने हंगामा किया जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर। इसके अलावा आज जब वो नोएडा गए मूर्ति के अनावरण के लिए, वहां पे उन्होंने अपने संबोधन में भी जनजाति जनगणना की बात की। इसके अलावा डॉक्टर राजपाल वो जाति जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं और जो पूर्वांचल का वोट बैंक है कहीं ना कहीं उसको उस पर फोकस करने की भी कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने तमाम पूर्वांचल के दौरे करे हैं और अभी भी अखिलेश यादव ने सबसे पहला जो चार सात खंड डिवाइड किए उसमें सबसे पहला जो खंड है उसमें जो पाँच जनपदों को शामिल किया गया है उसमें पूर्वांचल पर फोकस रखा गया है। तो उसकी शुरुआत ही उन्होंने पूर्वांचल से की है कि उनको लग रहा है कि वहाँ का वोट अहम है। और खास करके जब से शिवपाल सिंह यादव ने कमान संभाली है, जिस दिन से उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कदम रखा है उस दिन से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हर एक चाल जो है वो सोच समझ कर हो रही है। वो बहुत सोच समझ के कदम रखे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई भी एक ऐसा मौका छूटना नहीं चाहिए जिसकी वजह से सरकार को घेरा जा सके और जाति जनगणना का मुद्दा उन्हीं में से एक है जिसको लेकर वो सदन में भी हंगामा कर रहे हैं और सम्मेलन करते हुए लगातार सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा 2017 से चल रहा था, उनका उनकी मांग है कि 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा देनी चाहिए। धीमे-धीमे उत्तर प्रदेश में बिना जाति के तो खैर राजनीति नहीं होती और जाति के समीकरण जो है वो भी काफी मायने रखते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो क्या समाजवादी पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि दूसरे मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरा जा सकता, लिहाजा अब जातीय जनगणना को आधार बना के आगे बढ़ा जाए? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे मुद्दों पर सरकार को बिल्कुल नहीं घेरा जा सकता, लेकिन जो धार्मिक मुद्दा था उससे समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं यह अंदेशा लग गया था कि धार्मिक मुद्दों को अगर वो पहलू बनाकर या आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक होगा, उनको नुकसान हो सकता है, भरना पड़ जाए। और वही कारण है कि जैसे शिवपाल यादव ने पहला कदम रखा है सपा में, वैसे ही स्वामी जी साइड होते नजर आ रहे हैं और उस पर कहीं भी कोई अब बातचीत भी नहीं हो रही है। रामचरितमानस का मुद्दा एकदम से साइड हो गया है और जाति जनगणना का मुद्दा एकदम से हाइप में आ रहा है। तो इससे साफ सिग्नल मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी एक कदम सोच के चल रही है और जो मुद्दे हैं जिनके जिन मुद्दों को उठाया जाएगा, जैसे खास करके गन्ना किसके मुद्दों को उठा रही है सरकार, जो छुट्टा जानवर है मनोज पांडे मुख्य सचेतक, आज उन्होंने विधानसभा में जो छुट्टा जानवर से परेशान है किसान उसके मुद्दे को उठाया, और जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, खास करके इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। धार्मिक मुद्दों पर उनको घेरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान ना हो इसको देखते उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया है और जो जाति जनगणना ठीक है, यानी अभी इस मुद्दे को हवा दी जा रही है और सियासत के केंद्र में है। बहुत शुक्रिया इस्कंदिता इस तमाम जानकारी के।